मुझे 2 साल हो गए, एक टके का मुझे कोई फायदा नहीं, सिर्फ ये है कि मैं उसको स्टूडेंट्स को देखते ही नहीं, चलता भी नहीं सर। इसके अलावा फिर कभी कभार सर आपके वीडियोस में एड्स भी नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे। वो इसलिए एड इसलिए नहीं है कि वो पूरे नहीं हुए अभी तक। अच्छा फेशियल एडअप यस नाइस डीप थाई कट डीप फेशियल जो होता है उसको फेशियल लैटा बोलते हैं, ठीक है। वो लैटरल एस्पेक्ट पे थिक हो जाता है एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ थिक बैंड व्हिच इज कॉल्ड इलियोटिबियल ट्रैक। हियर कम्स द इलियोटिबियल ट्रैक, और ये इलियोटिबियल ट्रैक जाके गर्डीज ट्यूबरकल पे जाके मीडियल लैटरल कोंडाइल ऑफ द फीमर एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट पे ये इलियोटिबियल ट्रैक लग जाता है, ठीक है। नाउ दिस इलियोटिबियल ट्रैक इसमें ये टेंसर फेशियल लैटा मसल है, ठीक है, टेंसर फेशियल लैटा याद रखना पड़ा था। ये जाके कहाँ इंसर्ट हो रहा है, इलियोटिबियल ट्रैक में जाके इंसर्ट हो रहा है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको अपर पुल करेगा और नी जॉइंट को स्टेबलाइज करेगा ड्यूरिंग एक्सटेंशन, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट दिस इज ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस के जो अपर फाइबर्स है ना वो इलियोटिबियल ट्रैक में जाते हैं, जबकि ये लोअर फाइबर्स हैं ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फीमर पे जो लैटरल लाइन होती है लीनिया वो ऊपर जाके थिक हो जाती है, ग्लूटियल ट्यूबोसिटी बनाती है, ये वहाँ जाके अटैच होता है, ठीक है, समझ आ गई क्या चीज ग्लूटियस मैक्सिमस। तो हमने क्या देखा, इलियोटिबियल ट्रैक, टेंसर फेशिया लैटा, ग्लूटियस मैक्सिमस, उसके बाद दिस इज रेक्टस फेमोरिस, और ये ऊपर कहाँ जाके कुछ उसमें बड़ा अच्छा नजर आता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन स्ट्रक्चर को बार बार जितनी पॉसिबल लिम्फ मिलती है सब के ऊपर जाके एक एक दफा देखोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं आप जैसे प्रैक्टिस करो तो वही चीज आगे आ जाए, वेरिएशन आ सकती है ना, इसी तरह पेशेंट्स में वेरिएशन होती है। जरूरी नहीं कि जिस बंदे की एनाटॉमी तुमने एक दफ़ा ऑपरेशन किया अगले भी वैसे ही एनाटॉमी वाला आएगा, थोड़ी सी भी चेंज हुई तो परेशान हो जाओगे वहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज रेक्टस फेमोरिस एंड दिस इज मीडियलिस वेस्टस मीडियलिस, क्योंकि ये तो ग्रेट टू है ना मीडियल साइड पे, वेस्टस मीडियलिस एंड दिस इज वेस्टस लेटरलिस, और ये क्या है नीचे इनके वेस्टस इंटरमीडिएट, और इसके भी नीचे जो है जीनियो आर्टिकुलरिस होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे मिल जाए ये देखो ये शायद बना ली। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हियर कम्स द सार्टोरियस, सार्टोरियस, ठीक है। ये देखो ये एक थिन बैंड की तरह का एक मसल है जो कि कहाँ पे अटैच हो रहा है, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन पे, ठीक है, आइलिक क्रस्ट के एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन पे, और क्रॉस करके आ रहा है थाई को मीडियल साइड पे गर्डीज ट्यूबरकल पे, ठीक है, अलोंग विद टू अदर मसल्स जो आके वो जो तीन मसल यूं करके बनते हैं और इंसर्ट होते हैं, पेस इंफेरिनेस डक फुट या डक वाइल्ड गूज जो होती है वो जो बतख होती है मुर्गा भी उसका पाँव, कौन से दो मसल और होते हैं, सरदार गंडा सिंह टोबा टैक्सिंग वाला, सरदार फॉर सार्टोरियस, गंडा फॉर ग्रेसेलिस एंड टोबा टैक्सिंग फॉर सेमी टेंडिनोसिस, तीनों ये सार्टोरियस एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है, ग्रेसेलिस जो है वो दिस इज ग्रेसेलिस, ग्रेसेलिस मीडियल कंपार्टमेंट का मसल नहीं सेमी टेंडिनोसिस है, ये हम जब आएगा तो ये ग्रेसेलिस है और ये है सेमी टेंडिनोसिस, ठीक है। तो ये मीडियल कंपार्टमेंट का, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट का। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस मीडिया लेटरलिस, वेस्टस मीडियलिस, इंटरमीडियस, ठीक है जी, इलियोटिबियल ट्रैक, टेंसर फेशिया लैटा, ग्लूटियस मैक्सिमस, सार्टोरियस, ठीक है जी। नाउ सार्टोरियस लाइक दिस एंड दिस इज ट्राइंगल काम, ये जो है ना एडक्टर लॉन्गस है, ठीक है, ये ट्राइंगल बन रही है एडक्टर लॉन्गस और सार्टोरियस और ऊपर इनगॉइनल लिगामेंट। तो ये ऊपर इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये देखो ये नर्व्स भी जा रही हैं, दिस इज नर्व टू वेस्टस मीडियलिस, और ये क्या है नर्व, ये क्या है फेमरल वेन है, और ये नीचे क्या है फेमरल, इसमें से एक आर्टरी है एक वेन है, ठीक है जी।
एक तो आपने हाँ ये आर्टरी लग रही है ना, क्योंकि लैटरल कंपार्टमेंट में वेन मीडियल, ठीक है, और उसके अलावा ये जो है ना ये सेफनस नर्व है जो कि फेमरल नर्व की ब्रांच होती है, ठीक है। और ये जो काम शुरू हो गया ना नीचे, ये देखो ये वो सेप्टम है जो एडक्टर और एपिक्स वास्टस मीडियलिस के दरमियान में, और ये एडक्टर कैनाल शुरू हो गई है, और इस एडक्टर कैनाल, और ये क्या है पीछे मैग्नस, देखो बड़ा कितना है मैगा, ठीक है, इसकी ड्यूअल नर्व सप्लाई होती है। ये देखो ये देखो ये पॉपलिटियल बन गई है, यानी कि ये एडक्टर हाइटस है इस जगह पे, उस वाली उसमें बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है जी। उसी पे दिखा दें, मैं उस पर दिखाता हूँ ये, ठीक है। ये क्या है देखो, ये पॉपलिटियल है, यानी कि ये फेमरल आर्टरी यहाँ से एंटर हुई, कैनाल में आई और निकल के पीछे नी जॉइंट के पीछे आ गई। तो ये क्या है पॉपलिटियल आर्टरी, और जो ही एडक्टर हाइटस को क्रॉस करेगी तो फेमरल आर्टरी पॉपलिटियल आर्टरी नाम वही फैसला है, नाम तब्दील कर लेगी। ऊपर से एक्सटर्नल आइलियट गुजरी उसके पीछे से, इनगुइनल लिगामेंट के पीछे से, नाम उसने तब्दील कर लिया अपना, ठीक है। अब ये मैं इसलिए इस पर जोर देता हूँ ऑस्पी पे, कि बुक में देखो चीज़ पढ़ी हुई भूल जाती है, लेकिन जब एक दफ़ा यहाँ पे देख के ना बुक में चीज़ों को याद करने के लिए आपको बड़ा ब्लॉक ज़हीन लाइक हार्ड वर्किंग होना चाहिए, लेकिन ये तो कोई भी याद कर सकता है विजुलाइज करके, ठीक है। तो आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी कवर। तो ये एडक्टर लॉन्गस है, ये ऊपर पेक्टिनियस है, ये एडक्टर ब्रेविस है, और ये एडक्टर मैग्नस है, और ये ग्रेसेलस है। तो क्यों आ गया एडक्टर फैमिली, बड़ा बेटा उसका दोस्त, छोटा बेटा बाप, ठीक है, मैग्नस, ठीक है, दो शादियां कर रखी हैं, डुअल नर्व सप्लाई, ठीक है, पेक्टूनियस हमसाया साथ से आ रहा है, और सेम प्लेन में एडक्टर लॉन्गस और पेक्टूनियस, ठीक है जी, इसकी भी डुअल नर्व सप्लाई है, इसकी भी डुअल